श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने, वो कहें ना वो सांप और अन्ने वाले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते, मनोरथी पूर्णिमा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है, चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह, पर भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है, तो कहा यह चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारी हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी बात, सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है स्कंद पुराण के अंतर्गत, जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा, और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा इस योनि में गया, लिखा है सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जा कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला। वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ मना नहीं है, आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को, और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बनाए,
पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है माता, किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन करके रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दे, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसे, मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है, शांति रहती है, शीतलता रहती है। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं, हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ, आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना, जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो, धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम धतूरा और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे, और बाबा से विनती कर, जिसके यहाँ तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वो ही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है।